पार्श्वनाथ भगवान जय हो। श्री संवेद सिद्ध क्षेत्र की जय हो। शिखर हमारा शाश्वत तीर्थ है। संबीर शिखर हमारा शाश्वत तीर्थ है। अगर हम न तिरे तो हमारा दोष है। संबीर शिखर पर जाकर के भी यदि रत्नत्रय को नहीं समझ पाए तो शाश्वत तीर्थ क्या करेगा। सोचो 20 तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष हुए और महावीर स्वामी पावापुर से मोक्ष हुए, वासुकी स्वामी चंपापुर से मोक्ष हुए, नेमना स्वामी गिरनार से मोक्ष हुए, ऐसा अलग अलग क्यों। क्षेत्र तो निमित्त मात्र है, जीव अपने भावों से ही बंधा है और भावों से ही मुक्त होता है। विकारी भावों से बंधा है, मिथ्या भावों से बंधा है और सम्यक भावों से मुक्त होता है। सम्यक भाव को ही सम्यक रत्नत्रय कहते हैं। रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और आत्मा हो गया रत्नाकर। आत्मा हुआ रत्नाकर और देवशास्त्र हो गए हमारे व्यवहार। देवशास्त्र को रतन शोभ तेने जानो न रतन को मोल गमाय दो हीरा का करम। सोचो वितरागी देवशास्त्र गुरु को प्राप्त करके अगर हमने रत्नत्रय की साधना नहीं की, रत्नत्रय की अनुमोदना नहीं की, रत्नत्रय के धारक योगीश्वरों की भक्ति नहीं की तो हमने क्या किया। बड़ा सुंदर छंद है फल का, पुण्य फलों में तीव्र राग कर सदा पाप ही उपजाया। पुण्य फलों में पुण्य के फल क्या है। सोचो पुण्य के फल क्या हैं। क्या ये आपको जैन कुल मिल गया, श्रावक कुल मिल गया, ये पुण्य का फल है। ये आपको संगी पर्याय मिल गया, ये पुण्य का फल है। ये आपको रहने को भवन मिल गया, ये पुण्य का फल है। ये पहनने को कपड़े मिले, ऐसे बैठे अपन ओढ़े हुए, ये सब पुण्य का फल है। कितने लोग फटे हाल पड़े होंगे, फुटपाथ पर सो रहे होंगे, बीमार होंगे, भूखे होंगे, दुखी होंगे, पाप के फल से। आज हमें भोजन मिला है तो पुण्य का फल। आज हमें ये कपड़े मिले तो पुण्य का फल। जो जो हमको इष्ट लगता है अज्ञान दशा में भी वह सब पुण्य का फल है। अरे क्या कहें, कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार जी में कह रहे पुण्य फला अरहंता। अरहंतों का समोसरण यह भी उनके पुण्य का ही फल है। जो बाहरी विभूति है वह सब पुण्य का फल है। आपने पढ़ा होगा कितने दिन मंदिर के द्वार पर लगा रहा, अब तो सूना पड़ गया, उड़ गया रंग उसका। आत्म संपदा समता की अनिवार्य नहीं है, बाह्य संपदाएं पुण्य की अनिवार्य नहीं है। पुण्य आता है तो अपने आप आती है और विपदाएं पाप की अनिवार्य नहीं है। जहाँ पाप आते हैं विपदाएं अपने आप आ जाती हैं। ये तो जैन शासन है, तुमने रामायण सुनी हो कि नहीं सुनी भैया। जहाँ
सुमत्ता संपत्ति नाना जहाँ कुमत्ता, जहाँ सुमति है जहाँ प्रेम है वात्सल है वहाँ स्वर्ग है, वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं हैं। और यहाँ कुमति है, कुबुद्धि है, विषयों में दौड़ रही है। कुबुद्धि किसको कहते हैं? जो बुद्धि पंच इंद्रिय के विषयों में लगती है, जो बुद्धि मोह राग द्वेष का पोषण करती है, ईर्ष्या होती है, इसमें द्वेष होता है, बुरा करने का भाव होता है, ये भाव कुबुद्धि कहलाते हैं। बुद्धि तो बुद्धि है, बुद्धि के साथ को है, को माने राग द्वेष, खोटी परिणाम है, मैट और राग खोटी। इसी के लिए हम भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा कर रहे हैं। तो जितने भी पुण्य के फल हैं उनमें तीव्र राग होने से पाप का बंद होता है। तीव्र राग लिखा है, मंद राग तो होता है भैया, मंद राग और प्रतस्थ राग में अंतर है। पुण्य के फल से हमें ये बाह्य सामग्री भी मिलती है। और अब तो याद हो गया होगा कितने विधानों में हमने कहा भैया ये महापुण्य के उदय से मिले हैं, पुण्य और महापुण्य। कल सुदर्श प्रंगणी देख रहे थे हम, उसमें आया सात से पुण्य जिसके बाद फिर पाप का उदय नहीं आना है, जिसके बाद कोई प्रतिकूलता नहीं आनी है। तो देव सात गुरु मिल गए, ये महापुण्य का उदय। तुम तो पढ़ते ही हो, मैं वहाँ पुण्य उदय से जिंदा। दोनों का भेद तो आप जानते हो कि नहीं? आंखें पुण्य के उदय से मिली, भगवान का दर्शन महापुण्य के उदय से मिला। कान पुण्य के उदय से मिले, जिनवाणी सुनने का अवसर महापुण्य से मिला। विचार करो, रसना पुण्य के उदय से मिली और भगवान का गुणगान करने का अवसर ये महापुण्य के उदय से मिला है। स्पर्शन इंद्रिय हाथ पुण्य के उदय से मिले और भगवान के चरण स्पर्श करने का मौका अवसर महापुण्य के उदय से मिला। ऐसे भाव होना भी पुण्य भाव है और उसका अवसर मिलना भी पुण्य भाव है। हाथ नहीं होते कैसे स्पर्श कर रहे होते? सोचो, हाथों की शोभा दान से है, भैया वृत्ति से है, विनय से है। हाथों की शोभा हाथ दिखाने से नहीं है, हाथ जोड़ने से है। लेकिन चाहे कहीं नहीं, चाहे कहीं नहीं, हाथ जोड़ने लायक स्थान पहले पहचान लेना चाहिए। हमारा मस्तक चढ़ाने के नहीं है जो चाहे कहीं झुके, हमारा मस्तक ही वीतराग के चरणों में झुकेगा। हमारा उपयोग इस रत्नत्व धर्म की ओर झुकेगा। तो पुण्य के उदय में अति राग होने से महापाप बनता है। अति राग होने से क्या मतलब हुआ? द्वेष होने से भी पाप बनता है, मोह होने से भी पाप होता है, अतिराग होने से भी पाप होता है। ये क्या है अतिराग को? आप किस अपनी भाषा में क्या कहते हैं? आसक्ति। भोजन मिला पुण्य के उदय से, भोजन में आसक्ति है, यही बनाओ है। माने कहा बेटा आज आ रहे हैं तो हम क्या करें? तुम मत कहा, ये आसक्ति है तो हम बाहर बना लेंगे, हम खुद बना लें। अरे एक दिन मत खा भैया तो क्या हो जाएगा? माता अवक्त भक्षण के कोई तो छुड़ा रही है तेरी है, कोई ये तो नहीं कह रही तो रोटी मत खा। अवक्त भक्षण के लिए मना कर रही है, तेरे हित के लिए मना कर रही है भैया। तो आसक्ति पाप का उदय है। पंच इंद्रिय के विषयों की सामग्री पुण्य के उदय से मिलती है और पंच इंद्रिय के विषयों में आसक्ति पाप का, उसे पाप का बल होता है।
धन पुण्य के उदय से है और धन की आसक्ति पाप। तीव्र राग माने आसक्ति, थोड़ा ध्यान दे दिया करो। ये पूजा के बहाने से अपने परिणामों को सुधारने का अवसर है भाई, सीखने समझने का अवसर है। आसक्ति और अभिमान, उच्च कुल का अभिमान, उच्च जाति का अभिमान, धन का अभिमान, रूप का अभिमान, क्षयोत्तम का अभिमान, हम बड़े पंडित हैं, त्याग का अभिमान, क्रियाओं का अभिमान, हम बहुत धर्मात्मा हैं। भैया ये पाप बंध का कारण है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। ये अभिमान पाप कहीं नहीं रहने देगा, ये कथाएं कहीं नहीं रहने देंगे और कहीं का नहीं रहने देंगे। देखो भाई, अचेतन संपदा हो चाहे चेतन हो, कहाँ चले आए, बस खत्म मामला, सब बैठे आंखें उस दिन देख रहे थे, जन्मांध हो जाते बेचारे, किसी के घटना में आंखें चली आती हैं, अब बस ऐसे देख रहे, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। ऐसे विश्व में ज्ञान सर्वोत्कृष्ट मंगल है, अगर ज्ञान न हो तो क्या किसको कौन जाने, क्या जाने, कैसा जाने। निरंतर ज्ञानाभ्यास करें, निरंतर ज्ञानाभ्यास करें, और ज्ञानाभ्यास माने शास्त्र अकेले नहीं पढ़ें, परिभाषा नहीं याद करें। ज्ञानाभ्यास करने का मतलब ये है, हे उपाधि को निरंतर समझें, स्वपर को पहचाने, स्वपर को पहचाने, हे उपाधि को पहचाने। अरे ये भाव तो है, भोजन करने मिला, कोई चीज की कमी आ गई, अरे बहुत अनंत काल से दुखाई है, आज इतना ही है तो कोई बात नहीं। और सिद्ध भगवान अनंत भगवान तो कभी नहीं खा रहे, अमरनाथ तो देखा ही नहीं रहे, खाते हुए भी नहीं खा रहे, कम से कम युक्त आहारी तो बने, संतोषी तो बने, हैं? विचार तो करें। पुण्य के उदय से श्रावक कुल मिला है, पुण्य के उदय से माँ पुण्य के उदय से वीतरागी देव गुरु मिले हैं, जिनवाणी सुनने का अवसर मिला है। देखो जितनी भी समस्याएं हैं वे अज्ञान से उत्पन्न होती हैं, और सबका समाधान ज्ञानाभ्यास है। अगर हम चाहते हैं हमें वात्सल्य बढ़े तो ज्ञानाभ्यास करेंगे, वात्सल्य बढ़े, वात्सल्य ज्ञानमय भाव है, आपके भीतर से अपने आप आएगा, क्षमा अपने आप आएगी। कल अध्याय में क्या कह रहे थे हम, परसों, भगवान शरण है, इसका मतलब क्या है, वीतरागता शरण है, क्षमा हमारे लिए शरण भूत है। क्रोध से कोई प्रसंग बन गए, अब क्षमा नहीं करो तो क्या करोगे, क्षमा ही शरण है और कौन सी शरण है। अभिमान बस कोई बात अपन ने कह दी और अभिमान से उस बात को पकड़ी बैठी, नहीं भैया विनय ही शरण, गलती हो गई, सरलता ही शरण। अरे तुम्हारे बिल बाउचरों में भी लिखा रहता है भूल चूक लेनी है, भूल भैया पंचम काल है, निकृष्ट तीव्र हृदय वाले जीव है, निकृष्ट पुण्य आया है, निकृष्ट सेव संग है, इस काल में दूसरों के होने का क्या आश्चर्य, हमसे भी होते, तुमसे भी होते, किसी से कम होते, किसी से ज्यादा होते, इन दोषों को निर्दोष भगवान की भक्ति से, निर्दोष जिनवाणी के स्वाध्याय से, तत्वों के विचार से दूर करने का उद्यम करना। एक चिंगारी इतने को, एक भी चिंगारी सारी सुहा कर देती, सारे भूसे को, सारे कबाड़े एक चिंगारी भस्म कर देती, तो ऐसे ज्ञान की चिंगारी क्यों नहीं भस्म करेगी इन विभावों को, कितना ही बड़ा विभाव। जैसे हम बच्चों से कहते थे, हो बेटे कितना बड़ा दोष हो जाए, कितना ही बड़ा गलती हो जाए, कभी गुरुजनों से, माता पिता से मत छिपाना,
भगना नहीं डर करके। कभी गुरुजनों से और माता पिता से छिपाना नहीं, बता देना कि डांट पड़ती। अरे अभी तो नेक डांट पड़ेगी, फिर कितनी डांट पड़ेगी ये सोचो, फिर क्या होगा, फिर माता पिता भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बचा नहीं पाएंगे। कितनी बड़ी गलती हो जाए, कभी माता पिता की और गुरुजनों से छिपाना नहीं। और सच पूछो तो परमार्थ का मार्ग है, अपन तो यहाँ बैठे हैं, गुरुजन ही हमारे माता पिता के समान हैं। गुरु में माता और पिता दोनों हैं, पिता का अनुशासन और गुरुओं और माता का वात्सल्य। परसों हम रात को देख रहे थे एक पुस्तक, बड़ी सुंदर गांधी जी ने चर्चा की, जो माता नहीं हो सकती वह शिक्षक नहीं हो सकती। हजारों शिक्षकों से बड़ा एक माता है, जो मातृत्व तो जिसमें नहीं है, वात्सल्य नहीं है, प्रेम नहीं है, वह शिक्षक नहीं हो सकता। अरे उस क्षेत्र की बात तो हम क्या करें, अगर तुम में वात्सल्य नहीं आएगा तो आप भक्त नहीं हो पाओगे। मालूम है ये उपाध्याय नाम बहुत पुराना है, यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है और सम्मेलन की डिग्री नहीं है, प्रयाग सम्मेलन में डिग्री है, संस्कृत में उपाध्याय होते, आचार्य होते, प्रवचन सार जी में लिखा है उपाध्याय सब। और शिक्षक आज शिक्षक मालूम है हमारे ऋषभ देव थे, ऋषभ देव महाराज ने राज्यावस्था में ही सारी शिक्षा दी थी, अति मसी कृषि की भी शिक्षा उन्होंने दी दोस्तों, और फिर निर्गंत होकर के मोक्ष मार्ग की शिक्षा दी। बड़ा ऊंचा पद है शिक्षक का, वक्ता का, सबसे ऊंचे वक्ता, श्रेष्ठ वक्ता, उत्तम वक्ता तो वितराग सर्वज्ञ होते हैं। विचार करो, जो माता नहीं हो सकी वह शिक्षिका नहीं बन सकती। सोचते रहे बैठे बैठे क्या लिखा है, गांधी जी ने क्यों कहा ये, क्या अंदर में बादशाह लिखा है। अरे भाई प्रेम से कुछ समझाओ तो समझ में आए, अब जान से समझाओगे तो कैसे समझ में आएगा, रौब से समझाओगे तो कैसे समझ में आएगा। वात्सल्य समस्त धर्म का मूल है, सबकाचार पढ़ा करो भाई, वात्सल्य समस्त धर्म का मूल है। एक इंद्रिय अधिक जीवों के प्रति भी वात्सल्य भाव, क्षमा भाव, पंडित टेकचंद जी ने लिखा है दस लक्षण विधान की पूजा में। तो एक इंद्रिय अधिक का कि उनकी भी रक्षा करो, उनकी भी विराजना न हो जाए, उनके प्रति भी द्वेष भाव न आ जाए, एक इंद्रिय अधिक रक्षा, यही वात्सल्य है। बहुत हमारा पवित्र धर्म है, पवित्र तत्व है, पवित्र वाणी है, हमारा जीवन भी पवित्र बने, इनको पाने का यही वास्तव में फल है। जीवन को पवित्र बना, आदर्श, इसीलिए तो हमने ये आदर्श बनाया है। हमारा आदर्श है वितराग सर्वज्ञ, वे सिनेमा वाले जो हीरो जे उद्योगपति, ये आदर्श नहीं है चाहे ऐसे पैसा इकट्ठा करके ले गए। त्याग का आदर्श, तपस्या का आदर्श, सहनशीलता का आदर्श, दो बातें सहन करना ही हमारे लिए शरणभूत है। क्षमा फल असक्ता नाम क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा असक्त का बल है और वीरों का आभूषण। अगर वीर होकर के कोई क्षमा करता है, बड़े होकर के क्षमा करता है, समर्थ होकर के क्षमा करता है तो ये गौरव की बात है, प्रशंसा होती है उसे। देखो चाहे कुछ कर सकता था लेकिन नहीं, क्षमा कर दिया। श्रीपाल की क्षमा को देखो, राज पद में युवराज होकर के भी, राजकुमार होकर के भी धवल सेठ को क्षमा कर, क्यों, क्या थे तो फांसी दिलवा सकते,
लेकिन नहीं, फांसी देने में हमारा गौरव थोड़ा है, फांसी निकालने में हमारा गौरव है। और असत्य अगर क्षमा करेगा तो रक्षा हो जाएगी, बच जाएगा, क्षमा नहीं करेगा तो क्या करेगा? मूल से नाश है, बलवत विरोध है, बलवान से विरुद्ध कर रहना ये मूल से नाश करने के समान है। क्या करोगे तुम? चुप रह जा, दो बातें का चिपट गई, कहाँ गई माया? रहेगी जहाँ की तहाँ। तो शाश्वत तीर्थ शुद्ध है, संवेद से कर, और शाश्वत तीर्थ हमारा भावों का रत्नत्र, वह हमारा तीर्थ है, शुद्धात्मा हमारा तीर्थ है, भक्ति हमारा तीर्थ है। अमितार जिससे तिरे वो तीर्थ के साथ है, जिससे डूबे वो संसार हो गया मिथ्या भाव। मिथ्या भाव से डूबता है और सम्यक भाव से तिरता है। संवेद शिखर पर भी अपने भावों की पूर्णता, रत्नत्रय की पूर्णता से ही मुक्त को, मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। विचार करना प्रधानता कैसी रही भावों की, और न बिना भावों के लड़ते 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 पूरी बस में है लड़ाई, लड़ते लड़ते तो समय शिखर पहुंच गए और वहाँ भी होटल पे खड़े हो गए और चाय कच करने लगे तो बता वंदना क्या हुई? अरे वंदना तो ये है, बहुत बात चले थी, बहुत प्रेम थी, उल्लास थी, सहज भाव थी। ये सहजता कब आएगी? जब सारी सामग्री को हम अपने उदय प्रमाण समझेंगे तब। भाई हमारे जीवन में जो प्रतिकूलता आई इनने थोड़ी ही गई है, ये थोड़ी ही गाली दे रहे हैं। हमारा उदय कहलवारा तद भक्त रेव मुखरी कुर्ते बलानुमा, जैसी भगवान की भक्ति उन्हें बाचाल कर रही है, ऐसी हमारा आपका उदय तुमसे अनचित वचन बुलवा रहा। विचार करोगे काम खत्म हो गया, और हमसे तो कह नहीं रहा। अध्यात्म तो सबसे सुंदर बात है, हमसे तो कह नहीं रहा, हमारे साथ तो कुछ हो नहीं रहा। कैसी सुंदर भावना, वीतरागता की लिखी, छेदा या भेदा है, कोले या है, नष्ट बनो भले या अपने को रीत जाए, पर परिग्रह न मेरा है। अरे अरे इसका छेद न हो जाए, भिन्न जाए, चाहे कोई किसी प्रकार से ले जाए दया। अरे गांव में हमारे में ऐसे ही कह देती थी, गांव के बिना पढ़े लिखे जिन्हें तुम कहते हो ले जान दे पुण्य थोड़ी ले जाए, हमारा छीन लेन दे पुण्य थोड़ी छीन लिया। विचार करो, पुण्य थोड़ा ही छीन लेगा, जहाँ जाएंगे पुण्य जाएगा, और पुण्य जाएगा तो पुण्य की सामग्री भी साथ जाएगी। तो पुण्य के जो फलों में अति आसक्त है, माने अति आसक्ति अभिमान आदि का भाव है, वह पाप बंध का कारण है, ऐसा जानकर पुण्य को खाली हे हे मत कहना। पुण्य के उदय की सामग्री को तो हे समझना और सदुपयोग भी करना, सदुपयोग भी करना। देखो शरीर बहुत खराब है, सात धातु है उपधातु है, लेकिन यही तिरने का निमित्त। कान नहीं होगे तो सुनोगे काय से, आंखें नहीं होंगी देखोगे काय से, लेकिन भैया आंखें होकर के भी जो भगवंतों को नहीं देखता है, कान होते हुए भी जिनवाणी को नहीं सुनता है, वह कान होते हुए भी कान रहित है, आंखें होते हुए आंखें रहित है। बहुत उल्लास से भगवान की पूजा के माध्यम से हमको ये समझने का अवसर मिला है। समझो समझो भाई, श्री संवेद शिखर की पूजा मंगलकारी है, श्री संवेद शिखर की पूजा मंगलकारी है,
हरी चंबे कृति करती पूजा मंगलकारी है। श्री चंबे कृति करती पूजा मंगलकारी है। श्री चंबे शिखर की पूजा आनंदकारी है। श्री चंबे शिखर की पूजा मंगलकारी है। आनंदकारी है सभी को आनंदकारी है। आनंदकारी है सभी को आनंदकारी है। संदेश शिखर की पूजा आनंदकारी है। शिखर की पूजा आनंदकारी है। शाश्वत तीर्थ हमारा प्यारा। शाश्वत तीर्थ हमारा प्यारा। शाश्वत तीर्थ हमारा प्यारा। शाश्वत तीर्थ हमारा प्यारा। वेद ज्ञान प्रगटावन हारा। वेद ज्ञान प्रगटावन हारा। वेद ज्ञान प्रगटावन हारा। वेद ज्ञान प्रगटावन हारा। अहो स्मरण भी जिसका। अहो स्मरण भी जिसका। सबको हितकारी है। सबको हितकारी है। पूजा श्री चंबे शिखर की मंगलकारी है। पूजा श्री चंबे शिखर की मंगलकारी है। पूजा श्री चंबे शिखर की आनंदकारी है। पूजा श्री चंबे शिखर की आनंदकारी है। इस तीर्थंकर मुक्त हुए हैं। कर अब अनेक प्रबोध हुए हैं। 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 भाव सहित हम करें वंदना। संकट सहित हम करें वंदना। संकट हारी है। भाव सहित हम करें वंदना। संकट हारी है। भाव सहित हम करें वंदना। संकट हारी है। पूजा श्री चंबे शिखर की मंगलकारी है। पूजा श्री चंबे शिखर की मंगलकारी है। पूजा श्री चंबे शिखर की आनंदकारी है। पूजा श्री चंबे शिखर की आनंदकारी है। जब चंबे शिखर पर पहुँचें और शांति से देखें अपनी ओर। भाषे सब संसार असारा। भाषे सब संसार असारा। भाषे सब संसार असारा। भाषे सब संसार असारा। ज्ञान वैराग्य बढ़ावन हारा। ज्ञान वैराग्य बढ़ावन हारा। चौक चौक पर अर्घ चढ़ावे। चौक चौक पर अर्घ चढ़ावे। चौक चौक पर अर्घ चढ़ावे। सब दुख हारी है। टोक टोक पर अर्घ चढ़ावे। सब दुख हारी है। टोक टोक पर अर्घ चढ़ावे। सब दुख हारी है। जाति संवेद शिखर की मंगलकारी है। जाति संवेद शिखर की आनंदकारी है। मंगलकारी है सभी को मंगलकारी है। मंगलकारी है सभी को मंगलकारी है। जाति संवेद शिखर की आनंदकारी है। पूजा श्री संवेद शिखर की आनंदकारी है। भाव भरी हम भाव न भावे। भाव भरी हम भाव न भावे। भक्ति देन शीश 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 न भावे। रत्नत्रय की तेज साधना ही अधिकारी है। रत्नत्रय की तेज साधना ही अधिकारी है। पूजा श्री चंबे शिखर की आनंदकारी है। पूजा श्री चंबे शिखर की आनंदकारी है।
तारण हार जिनेश्वर साचे तारण हार जिनेश्वर साचे तारण हार जिनेश्वर साचे तारण हार जिनेश्वर शरण सदा सबको परमेश्वर शरण सदा सबको परमेश्वर शरण सदा सबको परमेश्वर शरण सदा सबको परमेश्वर श्रद्धा भक्ति और भावना निसुखकारी है श्रद्धा भक्ति और भावना निसुखकारी है पूजा से संवेदित कर जलकारी है पूजा से संवेद शिखर की मंगलकारी है पूजा से संवेद शिखर की मंगलकारी है पूजा से संवेद शिखर मंगलकारी है पूजा से संवेद शिखर की मंगलकारी है आनंदकारी है सबको आनंदकारी है आनंदकारी है सबको आनंदकारी है पूजा जी संवेद शिखर की आनंदकारी है पूजा जी संवेद शिखर संवेद शिखर विधान की हाँ जी